नाम है सर आपका? हर्षद शेख। क्या कारण है आपको आंध्र प्रदेश कर्नूल से यहाँ दिल्ली जंतर मंतर पर आना पड़ा? हमारे आज आके संविधान के धज्जे पूरे आंध्र प्रदेश में उड़ जा रहे हैं। आर्टिकल 221 को और 222 को भी आज यही हालत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो भी आ जाके हर दिन हाईकोर्ट, एपी का हाईकोर्ट जो भी काम कर रहा है, गवर्नमेंट हर एक काम को भी क्वेश्चन कर रहा है। जो भी आ जाके जीवोस है गवर्नमेंट के, हमारा भी सीबीआई केस को, बच्ची को और आ जाके ट्राइबल बच्ची को 2017 में रेप एंड मर्डर हुआ, ये लड़की के साथ आ जाके ऐसा हुआ, इसलिए हम सभी भी मिलकर जब से 3-4 साल से लड़ रहे हैं। 2017 से आ जाके 2018 में आ जाके एक बार हम दिल्ली को आए थे, और आ जाके 2019 में भी आ जाके हम सभी भी देश वालों को बोलने के लिए एक बार आए थे, आज भी आए हैं। सीबीआई को, एपी गवर्नमेंट में सीबीआई को 2020 में फरवरी में दिया है, जीवो दिया है, आज तक भी 8 महीने हो रहा है, कोई सीबीआई इंक्वायरी नहीं चली है, आज तक भी आ जाके हमको कब मिलेगा जस्टिस? ये जो घटना है, ये घटना क्या था, मामला क्या था पूरा? मामला वो 14 साल की माइनर गर्ल है, 14 साल की बच्ची को आ जाके वहाँ पे अधिक जात होती है, वो रेड्डी जात होती है, उनका ही चलता है, कोई गवर्नमेंट हो, टीडीपी हो और भी कोई कांग्रेस हो और आ जाको अप्रेजेंट वाईएसआरसीपी हो, रेड्डी लोग ने आ जाके एक ट्राइबल लड़की को ऐसा जख्मी किया है, रेप करा है, मर्डर भी किया है करके, जस्ट सिर्फ हम फांसी करके मर गई है आपकी लड़की बोल के, बोल आज भी चल रहा है स्कूल, वो स्कूल बंद नहीं हुआ। यही हमारी लड़की का मामला नहीं है, ये आंध्र प्रदेश में हर दिन किधर भी कहीं भी एक कोने पे एक चलता ही रहता है, मगर आ जाके सभी भी प्रेजर में है, एपी स्टेट पुलिस भी प्रेजर में है, इसलिए हम सीबीआई को डिमांड कर रहे थे, डिमांड करने पवन कल्याण साहब भी आए थे जनसेना से, जब आ जाके तुरंत वो केस को आ जाके इमिडिएटली जस्ट कोई हाथ पोछ लेने के लिए सीबीआई को दे रहे, बल्कि गजेटेड आर्डर दिए है, मगर 8 महीने तक भी कोई भी वो केस के बारे में कोई भी नहीं हुआ, इसलिए हम आज जंतर मंतर का के हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सीबीआई इमिडिएटली केस लेना, लेके इंक्वायरी स्टार्ट करना बोल के यही हमारा डिमांड है। क्या कारण है वो इस मामले में जांच नहीं कर रही, क्या इसमें आपको जातिवाद का मामला लग रहा है? हाँ, दबाव है, रेड्डी का है, वहाँ पे रेड्डी कम्युनिटी है, वहाँ पे उनका ही चलता है, वहाँ पे अधिक जात है, वो दलित को और माइनॉरिटी को और बीसी को और आ जाके ट्राइबल को, किसी भी आ जाके वहाँ पे न्याय नहीं मिलता है, अन्याय में है, बहुत जख्म हो गए है, आगे धोखा चल रहा है, पीछे धोखा चल रहा है, दाएं हाथ धोखा है, बाएं हाथ धोखा है, हमारी ज़िंदगी गलियों के कुत्तों से बराबर है, इसलिए इतना दर्द से बोल रहे हैं हम, आ जाके बहुत प्रॉब्लम है, एपी स्टेट का गवर्नमेंट आ जाके इतना चल रहा है, वही आ जाके आई एम ए डिक्टेटर, आई एम ए हिटलर बोले देसा वहाँ के आ जाके सीएम कर रहे हैं, इसलिए हम आ जाके हम दिल्ली पास आए हैं, हमारे नरेंद्र मोदी साहब से भी हमारी विनती है, एक बार सोचो, नहीं तो आ जाके एपी स्टेट में इमरजेंसी लगाओ, नहीं तो गवर्नर राइट लगाओ, वहाँ पे आ जाके प्रेसिडेंटशिप लगा दो, ऐसी हालत है, उसमें तो कम से कम ब्रिटिश गवर्नमेंट में तो अच्छा जी सकते, आज एपी गवर्नमेंट में आ जाके डेमोक्रेसी मर गई है, आ जाके हाईकोर्ट को भी गालियां दे रहे, आ जाको किसी भी आ जाके हम सबको आ जाके हमारे ऑर्डिनेंस लाते, किसी भी जो चाहे वो इलेक्शन कमीशन को भी डरा रहे, कुछ आ जाके एपी स्टेट गवर्नमेंट का मामला ख़राब है, और आ जाके हम सभी भी आपसे विनती है, ये पूरा आ जाके मीडिया पूरा आ जाके प्रेसिडेंट के पास ये बोलना, हमारा विनती आपसे है।